श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कड़ी ना गणया के श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गुजांदर रुहन जो सभे तो जाने, तो रुहन जो जो का अर्थ में है तो ब्रह्म आत्माओं का गुजंदर, अंदर की गूढ़ बातें, दिल में छिपी हुई बातें, अंदर की बात। जैसे तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी बोलते हैं ना, इस तरह से ब्रह्मात्माओं के अंदर की बातें सभी तो जाने। हे धामदनी, सब कुछ आप जानते हैं। कूरो चुआ बीच बड़ी थी, मुंह पहन जड़ी न पाड़े। कुरो चुआ बीच बड़ी थी, तो ब्रह्मात्माओं के बीच में बड़ी बन करके मैं आपसे क्या कहूं। मुंह पाइंजड़ी न पाड़े, मुंह का अर्थ होता है स्वयं, पाइंजड़ी इसको आप जैसी, तो ये राज्य के लिए आपके राज्य के समान ये कहना चाह रहे हैं, तो आपके समान नहीं हो सकते। पाणे का मतलब स्वयं, मुँह पाणे मैं स्वयं, पाहिंजड़ी ना आपके समान नहीं हो सकती। तो अब यहाँ इस बात पर से क्या पता चलता है कि प्राणनाथ जी के अंदर भी जो बात करते हैं तो वो तो श्यामा जी का ही भाव है। तो ऐसे सतगुरु में श्यामा जी ही एक शरीर धारण करके पहले लीला करती है, तो वो सतगुरु का शरीर होता है। दूसरा शरीर धारण करती है तो वो प्राणनाथ जी का शरीर होता है। तो उसमें ही तो राज्य अपने शक्ति डालते हैं, तो स्वयं बैठे हैं दिल में, कहने का तात्पर्य तो उनकी शक्ति तो उनके बीच होती है और वो कार्य करते हैं। जा कांध न करे पाहिं जो उभी बियन के चोए। कांध परमात्मा के लिए, प्रियतम धनी के लिए, जा तो ये जहाँ तक इस अर्थ में लगाया है। न करे पाहिंजो, पाहिंजो अपना, जा जा जो कांध न करे पाहिंजो, जा का अर्थ तो यह जो ही ठीक रहेगा। जो ब्रह्म आत्मा कांध अपने प्रियतम परमात्मा को, अपने धनी को पाइन जो ना करे, अपना नहीं बनाती है। अपने धनी को अपना बनाना का तात्पर्य उनके प्रति इतना प्रेम भाव होना चाहिए कि ताकि वो सदैव उसी का ध्यान रखें। वो भी बियन के चोए, तो जो जो आत्मा अपने धनी को तो अपना नहीं बनाती है, और वो भी खड़ी खड़ी होकर बियन के चोए दूसरों को उपदेश देती है। तो अपने धनी को तो अपना नहीं बनाया और दूसरों को के अपने प्रियतम धनी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वो उपदेश देती हो। देश सुहाग बियन के पाण आगड़ वो भी रोए। देश सुहाग बियन के, दूसरों को तो वो सुहाग के बात बताएगी, बियन के दूसरों को
तो सुहाग की बात देगी, मतलब बताएगी, पाण आगड़ उभी रोए, तो पाण स्वयं अंगण उभी रोए, अंगण का तात्पर्य आंगन में, उभी रोए आंगन में खड़ी हो करके रोएगी, दूसरों को उपदेश देगी और स्वयं अनुभव नहीं करेगी तो उसको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, तो ये कहना कह रहे हैं। इसलिए परोपदेशे पांडित्यम वो नहीं होना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने कभी भी ऐसा नहीं माना कि ये मैं कह रहा हूँ, ये तो राज्य कहला रहे हैं, उनका हुक्म ही कहला रहा है, तो निमित्त मुझे बनाया है। तो इसी प्रकार का भाव हमेशा होना चाहिए। तो जो भी धर्म की बात करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं दूसरों को, जो भी धर्म के प्रचारक हैं, तो उन सबको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, जो है वो राज्य का है, तो वो विनम्रता आनी चाहिए। बेउ जमारो बड़ाई में बैठी खोए उमर, तो ये बेई पहले आया था, इस तरह से बेओ है, बेओ बेई, तो ये जाने अर्थ में है। तो ये व्यतीत होने अर्थ में, तो जमारो जमाना समय आयु, तो ये पुल्लिंग में है इसलिए बेयो हो गया, यदि स्त्रीलिंग में होता तो बेई बोलते। तो जमारो बेयो का तात्पर्य यह है उम्र बीत गई, तो आयु चला गया, आयु आयु बीत गई, व्यतीत हो गई, किस में, बड़ाई में। तो अपनी बड़प्पन दिखाने में, अपनी बड़ाई में ही उम्र बीत गई, बैठी खोए उम्र, तो इस प्रकार अपने बड़ाई में बैठकर तो वो अपना उम्र को गंवा देती है, इस प्रकार की आत्माएं हैं ना, तो वो उम्र गंवा देती है। तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे भी तो उम्र ऐसा ही चली गई, तो दूसरे परमात्माओं को उपदेश देने का दायित्व तो मुझे दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी दूसरों को उपदेश दे दे करके अपना समय वैसे व्यर्थ कर लिया। धनी से प्रेम करना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, वो तो नहीं रहे, ऐसा कभी होता है जिसको धामधनी इतना कुछ देते हैं तो ये भी सोचते हैं, वो भी एक विनम्रता ही की ही बात होती है कि हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इस तरह से सोचते हैं। तो वो सब राज्य का स्मरण, उस तरीके से भी राज्य का स्मरण ही हो रहा है, तो बड़प्पन आए ही नहीं, तो वो मान प्रतिष्ठा का भाव आए ही नहीं, उसके हिसाब से ऐसा बना रहता है, तो राज्य ही ये सब दिलाते हैं। डे बड़ाइयों बियन के पाण न खुल्यो दर, डे का मतलब दिया, बड़ाइयों बियन के, तो दूसरों को तो उपदेश दे करके तो अपना वो बड़प्पन दिखाया, पाण न खुल्यो दर, किंतु स्वयं के लिए तो दरवाजा भी नहीं खोला, तो वो ऐसा ही मानते हैं, दिखता हो फिर भी तो ऐसे फिर लगता है कि हमें तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये विरह की भावना होती है। तो विरह में इस प्रकार का होता है कि मुझे तो राज्य आप दर्शन नहीं दे रहे हैं, कब देंगे, किस प्रकार करेंगे, तो हमने तो अपना समय ऐसे व्यर्थ कर दिया, इस प्रकार का ही भाव आता रहता है। तो वही भाव तो यहाँ पर आ रहा है, हमने भी तो दूसरों को ही तो बड़ाई दी, दूसरों के सामने अपनी बड़ाई की और दूसरों का ज्ञान दे दे करके उनका मान प्रतिष्ठा बढ़ाया, अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो द्वार भी बंद है, हम कैसे आपको देखेंगे, कैसे दर्शन करेंगे, इस तरह का विरह का भाव बना रहता है। थे धनी से सरखरु सोई सुहागिन होए, थे धनी से सरखरु, सरखरु का अर्थ होता है सम्मुख, जो आत्मा धनी से
सम्मुख होती है, थेई का मतलब हुई, तो जो धामधनी के सम्मुख हुई का तात्पर्य मैं उनके धामधनी के सम्मुख हूँ ऐसा अनुभव करती है जो आत्मा, सोई सुहागिना होए वही सुहागिनी कहलाती है। जो अपने धनी से स्वयं को दूर समझती है तो वो सुहागिन नहीं कहलाएगी। हमेशा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सम्मुख रहने का, उनके सानिध्य का अनुभव करने वाली आत्मा ही सुहागिनी कहलाती है। सा मरगिने पाण से जे आड़ो पटन कोये, सा का अर्थ होता वह, मर ये एक प्रकार से ऐसे भले ही यद्यपि इस इन अर्थों में के लिए ये ऐसा माना गया है, गिन्ने पाणस्य का अर्थ तो यही होता है स्वयं से, स्वयं की बात कर रहे हैं, गिन्ने लेना, तो यहाँ ये अर्थ समझना पड़ेगा कि स्वयं वो सुख वही ले सकती है। वो स्वयं भले जे आड़ो पटना कोए, जिन सा मर गिन्ने पाणस्य, तो ये पाणस्य तो उस तरह से ये समझना पड़ेगा। तो स्वयं जो आत्मा स्वयं आनंद का अनुभव करती है, जे मतलब वही आत्मा आनंद का अनुभव कर सकती है, जे आड़ो पटन कोए, जिसके सामने कोई व्यवधान अथवा कोई पर्दा नहीं है, धनी और उसके बीच में कोई पर्दा न हो, तो वही आत्मा तो स्वयं आनंद का अनुभव कर सकती है। आऊं पाइन जी परमे की पाने के भाइया, आऊं का अर्थ होता है मैं, पाइन जी परमे अपनी तरह से, पाइन जी मतलब अपनी पर में मतलब अपने प्रकार से, तो मैं तो अपने प्रकार से की पाण के भाइया, की कुड़ कुछ कुछ पाण के स्वयं को भाइया, भाना मतलब यहाँ जानना और आनंदित होना, मैं तो स्वयं थोड़ा थोड़ा ही जानती हूँ स्वयं को, स्वयं के विषय में मुझे थोड़ा थोड़ा ही पता है, बड़ी थी ना बीच में छेड़ो छुड़ाइया, इसलिए बड़ी थी न बीच में बड़ी थी न बड़ा बड़ापन लेने के लिए, तो बड़े होने के लिए छेड़ो छुड़ाइया, तो मैंने छेड़ा छुड़ाया, छेड़ा छुड़ाने का तात्पर्य बचना भाग निकलना, तो मैंने तो फिर अपनी बड़ाई उससे अपनी बड़ाई लेने से तो मैं हमेशा भागी हुई हूँ, तो कभी अपनी बड़ाई के संदर्भ में हमने विचार नहीं किया। फिर तो ये विरह में ऐसे अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, तो कभी सोचेंगे कि अरे हमने तो बड़प्पन लिया और अपना तो कुछ नहीं किया, सुंदर शास्त्र ने सब ने हमें बड़ा समझ लिया, लेकिन हमारी स्थिति तो कोई ऐसी है नहीं, तो वो भी सोचते हैं, और फिर कि हम बड़प्पन लेने से हमेशा बचते रहे हैं, कभी भी बड़प्पन की तरफ नहीं गए, अहंकार में नहीं गए, तो ये कहने का तात्पर्य है। यहाँ पर हम अपने विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, मतलब हमने अपने विषय में थोड़ा थोड़ा जान लिया, इसलिए कभी बड़प्पन लेने के चक्कर में नहीं गए। बाकी तो दुनिया में देखते हैं तो अपने बड़ाई करने के लिए सब कुछ लुटाने में तैयार होते हैं, तो अपने प्रतिष्ठा मिलती हो, अपने बड़ाई वाहवाही होती हो, तो बहुत कुछ धन खर्च करने के लिए तैयार होते हैं लोग। सब लोगों के अलग अलग भावना होती है, सबके अलग अलग विचार होते हैं। गालियों मुंजे दिल ज्यू सब तू ही सुजाने, गालियों का अर्थ होता है बातें,
मुंजे दिल जो, मेरे दिल की, मेरे दिल की जो भी बातें हैं सब तू ही सुजाने, सब सभी तू ही आप ही सुजाने, अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे अंदर की बात तो भली भांति आप ही जानते हैं। अथवा दूसरे तरीके से विचार करें तो मेरे अंदर की बात को आप भली भांति जानते हैं, आप ही तो जानते हैं, और कौन जानेगा, आपको पूरी तरह से पता है। हे सबई तो इंजू तो करायु पाणे, हे का तात्पर्य तो यह, सभी का तात्पर्य संपूर्ण यह, सब सब कुछ तो इंजू आपका ही है। तो इंजू तो करायु पाणे, आप कराते हैं, आप स्वयं ही कराते हैं, तो पाणे करायु आप स्वयं ही करा रहे हैं, जो कुछ भी करा रहे हैं वो आप ही करा रहे हैं, हम तो कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। तो यदि बड़ेपन भी दिलाई तो आपने दिलाई है, जो कुछ सुख दिलाया आपने दिलाया, हम तो किसी काम के लिए सक्षम नहीं है। ये एक भाव है, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ है वो आप ही तो करवाते हैं। मथे आउता गिना जे की मुंह में होए, तो आऊं का अर्थ मैं, मथे मतलब सिर पर लेना, मैं सिर पर तभी लूंग, मथे आऊं ता गिनना, आऊं मैं मथे ता गिनना, सिर पर तभी ले सकती हूँ जे जे की मुंह में होए, यदि मुझ में कुछ हो तो। मुझ में तो कुछ भी नहीं, सब कुछ आप ही हैं, आप करवाते हैं तो होता है, मुझ में कुछ होता तो मैं अपने सिर पर ले लेती ना। आऊं गुज जाना पाण बीच जो, बेव न जाने कोए, आऊं का अर्थ होता है मैं, आऊं जाना पाण बीच जो, अपने बीच का तो मैं, मुझे तो पता ही है ना, आप और हमारे बीच में, मुझे अपना तो कुछ पता ही है, इसलिए बेव न जाने कोई, दूसरा कौन जानेगा। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, आऊं गुज जाना पाण बीच जो, मैं आपके अंदर की गूढ़ बातें तो मुझे ही पता है ना, कि आप कैसा रखते हैं, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, जो कुछ है सब आपका है, आप कितने कृपालु हैं, हमें देते हैं, कितने प्रेमी हैं, सारा प्रेम आप ही देते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि मुझे आपके उसके बीच के, आपके अंदर की बात तो मुझे पता है ना, बेओ न जाने कोई, दूसरा तो कोई जान ही नहीं सकता। ये भी श्यामा जी का ही भाव है, राज्य के विषय में श्यामा जी जानती है, श्यामा जी जानती है, इसलिए परमात्मा को भी पता चलता है। मुके बड़ी बधारियों, मुके मुझे बड़ी बधारियों, बधारियों का तात्पर्य बनाया, आपने मुझे बड़ी बनाया, ब्रह्मात्माओं के बीच में तो मुझे श्रेष्ठता प्रदान की। दिने सबने में सुहाग, सब दिने दिया, सबने में सब में सुहाग, सबके बीच में सुहाग का अनुभव करवाया। तो सुहाग श्यामा जी का है पहले, और फिर परमात्माओं का है। की डिठमक की डिशन डिस जेड़ो करने भाग, की डिठम क्या देखा, और की डिशन डिशन देश क्या देखूंगी, जो हुआ जो बीत गया, जो अनुभव किया और जो अनुभव करने वाले हैं, जेड़ो करने भाग, वो सब जेनो जेड़ो कर, मतलब जैसा करने करोगे भाग, वो भाग में आप हमारे भाग्य में जो कुछ कर देंगे, तो हमने वही अनुभव किया है और भविष्य में वही अनुभव करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जो कुछ अनुभव किया वो आपका दिया हुआ है, जो भविष्य में करेंगे वो भी आपका ही दिया हुआ है, हमारा अपनापन इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अभी यहीं रखते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जेड़ो कन्ने भाग।
जेड़ो कने भाग लोके बड़ी बधारिए दिने सबनी में सुहाग दिने सबनी में सुहाग जेनो कन्ने भाग जेनो कन्ने भाग जेनो कन्ने